भाग्यवान क्या हुआ, ज्वालामुखी की तरह क्यों फटे जा रही हो? दुकान जाने से पहले ना तुम्हारे लिए कड़क ठंडा नींबू का शरबत बनाकर जाएंगे, जिससे तुम्हारी गर्मी पूरी कट जाएगी, समझी? हाँ, पहले ये हम मटर छीन ले। हाँ, अरे पूजा बिटिया, ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो और यहां आ जाओ, और हमारे लिए ना गर्मा गर्म एक कप चाय बना के ले आओ। पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती है, जब देखो तब। हाँ पिताजी, बस आपकी कमी रह गई थी, है ना? हाँ अच्छा, हमें समझा रहे हो। हाँ, माँ के सामने तो जैसे आप बने शेर बने घूमते थे। अरे मुंह मत खुलवाइए, आज हमें ना थोड़ा जल्दी जाना है, वरना सब कुछ बता देते कि माँ के सामने कैसे पसीने छूट जाते थे आपके, हमें सब पता है, समझे? हाँ, हमें बने समझा रहे हैं। मिश्रा को ना पूरे मोहल्ले की पूरी खबर रहती है। तुम हमें पूछ रही हो? नहीं नहीं, हमें मतलब हमें पूछ रही हो, हमें कि मोहल्ले में क्या हो रहा है? अरे मिश्रा को सब पता होता है, कल ना मखनू के बेटे का मुंडन है, और परसों तुम्हारे बाबूजी का बवासीर का ऑपरेशन। नर्सों बताएं, नर्सों बताएं कि जाएं, छीन लेना मटर, हम जाते हैं।